हेलो दोस्तों, गेम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं राज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज आप जानेंगे कि कोई भी कंपनी का कूलर हो, उसका अगर स्विंग नहीं हो रहा है तो उसको कैसे आप खुद से घर पे रिपेयर कर सकें। चलिए, मैं सबसे पहले इसको ऑन किया, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पे स्विंग जो है वो ऑन है, ठीक है। लेकिन आप देखिए, ये पत्ती जो अंदर वाली है वो एक स्थिर है। मैं ऑफ कर देता हूँ ताकि आपको स्पष्ट आवाज़ सुनाई दे, ठीक है। स्विंग नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, सप्लाई रिमूव करना है। सप्लाई रिमूव करके आपको कूलर को खोल लेना है। देखिए दोस्तों, ये जो मोटर लगा हुआ है, ये मोटर स्विंग के लिए लगा होता है। जैसे आप देखेंगे, मैं जब इसे घुमाऊंगा, ये सब पत्ती मूव करेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये मोटर जो है आपका खराब हो जाने के कारण ऐसा हो रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मोटर को खोल के निकाल लेना है। से प्रॉब्लम ही आता है, या तो इसका स्विच खराब होता है या तो मोटर खराब होता है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस में इसका मोटर ही खराब हो जाने के कारण इसका स्विंग नहीं हो पाता। आपको अगर चेक करना है आपका मोटर खराब है या सही है, तो आप डायरेक्ट इसको 220 वोल्ट की सप्लाई देकर भी चेक कर सकते हैं। अब आपको कहना है, ये दो तार है, ठीक है, आपको दो तार कहीं से भी कट कर देना है। मैंने कट कर लिया, ठीक है। देखिए, मोटर ठीक है, एकदम खराब हो चुका है। चलिए, अब आपको क्या करना है, इसे निकालना है। ठीक है, और दूसरा मोटर लेना है, ठीक है। आप इसको टेस्ट करने के लिए डायरेक्ट इसमें 220 वोल्ट की सप्लाई देकर टेस्ट कर सकते हैं। अगर घूम रहा है तो ठीक है, नहीं घूम रहा है तो ख़राब है। मैं यहाँ नया मोटर ले रहा हूँ, ठीक है, और उसमें इसे लगा देता हूँ। ठीक है, चलिए, ठीक है। आपको ऐसा लगाना है, ये दोनों के बीच में ऐसे पड़े ताकि ये घूमे तो आपका जो है ये मूव कर सके, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, तार इतना बड़ा है, लेकिन इतना बड़ा आपको तार नहीं छूना है, छोटा तार ही लेना है आपको, ताकि ये सब में तार फंसने का डर ना रहे। तो मैं यहाँ से इसको कट कर लेता हूँ। अब उसके बाद कोई एक तार, किसी एक तार में ठीक है जोड़ देना है आपको। और दूसरा चीज़, आप चाहें तो स्लीव भी लगा सकते हैं और टेप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टेप सबके पास आसानी से मिल जाता है, इसलिए मैं भी स्लीव के बदले टेप ही लगा देता हूँ।
ठीक है, अब मैं आपको इधर से ही ऑन करके दिखा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, देख पा रहे हैं स्विंग मोटर जो है प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, ये पत्तियाँ मूव हो रही हैं। ठीक है, अब मैं आपको फ्रंट व्यू भी दिखा रहा हूँ। ठीक है, ज़्यादा नॉइज आपको इसलिए मिल रहा है क्योंकि अभी ये इन्वर्टर की सप्लाई पे इसका जो मोटर है रन कर रहा है, इन्वर्टर सप्लाई पे मोटर जब रन करता है तो हल्का सा एक्स्ट्रा नॉइज आपको मिलता है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और वीडियो अच्छा लगा इसे ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह के ज़रूरी वीडियोज़ को पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।